चलिए और एग्जांपल देखिए। देखिए मैं आपसे तो इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितना ज्यादा आप एग्जांपल देखेंगे उतना ही आपका माइंड स्ट्रांग होगा। देखिए ये देखिए ये इसका जो है नेमिंग करना है, इसका हम लोगों को नेमिंग करना है। तो देखिए एक्चुअल में लॉन्ग जो है चेन जो है ये 1 2 3 4 बस, और ये क्या हो जाएगा, ये साइड चेन हो जाएगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट कहते हैं कि मैं 4 यहां नहीं लिख करके यहां लिखूंगा, तो भाई ये साइड चेन हो जाएगा, ज्वाइंट है ना, यहां देखिए ज्वाइंट है, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप जो है कुछ भी करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब इसका नेमिंग आपको करना पड़ेगा। तो देखिए अब सोचना ये है भाई, देखिए कभी कभी इसी तरह नेमिंग करने में मिस्टेक हो जाते। नेमिंग क्यों, क्योंकि अगर आप देखिए नंबरिंग रॉन्ग कर देंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। देखिए यहां पर मैंने नंबरिंग किया जानबूझ के किया था 1 2 3 4, चाहे आप इसको इधर ले जाइए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट ये नंबरिंग गलत है। आप इसका नेम क्या लिख देंगे जल्दीबाजी में, 3-methyl, नहीं गलत है, साइड चेन। देखिए ये नंबरिंग जो है, अच्छा इसको एज इट इज मैं रहने दे रहा हूं, ये नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4। देखिए हमने आपसे बताया था कि जो साइड चेन होगा उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो ये देखिए यहां पर ये ध्यान देने वाली बात थी। आप यहां इधर से नंबरिंग नहीं कर सकते, आपको नंबरिंग जो है रिवर्स करना, इधर से करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो नंबरिंग था वो देखिए एक्चुअल में ये नंबरिंग जो है रॉन्ग था। तो अब देखिए इसका अभी इसके पहले इसका नेम क्या हो रहा था, 3-methyl, अब देखिए क्या है 2-methyl, तो 2-methyl, अच्छा ये ब्यूटेन है तो ब्यूटेन ही बना रहेगा, ब्यूटेन। मैं यहां पर एक बार फिर रिपीट करूंगा, अगर आपने नंबरिंग इधर से कर दिया होता 1 2 3 4, तो आपका नेम जानते हैं क्या हो जाता, 3-methyl ब्यूटेन, जो कि गलत हो गया, जो कि आपका ये मिस्टेक हो गया। तो नंबरिंग करना बहुत ध्यान से समझिएगा, हमेशा जो है पैरेंट चेन में जो भी पैरेंट आपका चेन लॉन्गेस्ट हो तो उसको बड़े ख्याल से देखा जाता है कि साइड चेन हो, या मैंने बताया था यहां लिखा भी है फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, साइड चेन, इसको मिनिमम जो है पोजीशन मिले। इसी पर पूरा नामिक लेचर चल रहा है मेरा। चलिए ठीक है, तो अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सपोज करिए, जरा ध्यान दीजिए, सपोज करिए ये CH3 CH CH और आपका CH3, ठीक है, यहां पर आपका Cl है और यहां भी Cl है। देखिए इसके पहले ये जो साइड चेन होता था वो क्या था, मेथिल होता था, एथिल होता था, ठीक है, प्रोपिल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट देखिए यहां पर Cl हो गया। तो अब इसका नेमिंग करने के लिए आपको नंबरिंग करना बहुत जरूरी है। तो देखिए 1 2 3 4, ठीक है, अच्छा देखिए अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं तभी भी 1 2 2 नंबर पर क्लोरीन आ रहा है, तो ठीक है चाहे इधर से करिए या इधर से करिए। अब जो है इसका नेमिंग कर लीजिए, देखिए एक्चुअल में 2 नंबर पर
टू नंबर पर जो है क्लोरीन है, थ्री नंबर पर क्लोरीन है। अरे भाई जैसे मेथिल ग्रुप होता था उसी तरह इसका भी नेमिंग किया जाएगा। तो टू कामा थ्री डैश डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। अरे भाई मैंने बताया था सीएल के केस में क्लोरो होगा, एफ के केस में फ्लोरो होगा, बीआर के केस में ब्रोमो होगा, आई के केस में आइडो होगा। तो यहां पर देखिए डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, और ये क्या है ब्यूटेन, क्या है आपका ब्यूटेन। बस तो टू थ्री डाई क्लोरो ब्यूटेन, बस इसका नेमिंग हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, सपोज करिए कि आपका यहां पर, यहां पर जो है बी आर हो जाए। जरा इस बात को समझिएगा, ये क्या है हेलाइड है, ये क्या है हेलाइड है। अब क्वेश्चन ये उठा, क्वेश्चन ये उठा कि भाई नंबरिंग सही है या गलत है। देखिए क्लोरीन के केस में जो बात क्लियर समझिए, क्लोरीन जब यहां था, यहां देखिए क्लोरीन था तो आप इधर से नंबरिंग करिए तो वन टू थ्री फोर, वही नेम वही होगा, इसका नेम वही होगा टू थ्री। अच्छा इधर से नंबरिंग में टू थ्री डाई क्लोरो, इधर से नंबरिंग में टू थ्री डाई क्लोरो, तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अब जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा समझिए इसको, मैं नंबरिंग तो पहले मिटा दूं, नहीं तो आप सोचेंगे कि नंबरिंग जो है एपी वर्मा कर चुके हैं। यहां आपका बी आर आ गया ब्रोमीन, अब बताइए क्वेश्चन ये उठता है, ये भी साइड चेन है और ये भी साइड चेन है, समझिए जरा ध्यान से। अब भाई अब नंबरिंग इधर से किया जाए कि इधर से किया जाए, भाई ये समस्या का है विषय, ये समस्या का विषय है। तो देखिए एक्चुअल में इस केस में, इस केस में अल्फाबेटिकल नंबरिंग की जाती है, अल्फाबेटिकल देखा जाता है। अल्फाबेटिकल मतलब देखिए, अल्फाबेटिकल देखिए, ये जो साइड चेन है पहले क्या है ब्रोमीन और उसके बाद क्लोरीन, तो बी पहले आएगा कि सी पहले आएगा, बी। इसका मतलब देखिए प्रायोरिटी किसको मिली, अल्फाबेटिकल जो पहले आए, तो ये ब्रोमीन पहले आता है ए बी सी डी, तो बी पहले आता है। इसका मतलब क्लियर हो गया, इसका नंबरिंग जो है किधर से होगा, ऐसे होगा। तो इसका नेमिंग क्या हो गया, देखिए टू ब्रोमो, टू ब्रोमो, फिर देखिए थ्री क्लोरो, समझ गए होंगे। तो इसका नेम हम लिख देते हैं टू ब्रोमो, टू ब्रोमो, फिर देखिए थ्री क्लोरो। हम एक बात आपसे रिक्वेस्ट किए थे कि वन लेटर ही सिर्फ कैपिटल होगा और कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होगा, तो देखिए टू ब्रोमो थ्री क्लोरो, थ्री क्लोरो ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब आप क्लियर समझ गए होंगे, टू ब्रोमो थ्री क्लोरो ब्यूटेन। भाई ब्यूटेन क्यों, फोर कार्बन है ना, तो ब्यूटेन। तो ये इस सिचुएशन में जब जब भाई देखिए यहां क्लोरीन और ब्रोमीन ऐसा आ गया, भाई दोनों हेलाइड, दोनों साइड चेन में आ गए, तो किधर से नंबरिंग किया जाए, ये क्वेश्चन है। देखिए एक बात यहां जरूर मैं रोकूंगा, सपोज करिए आप मिस्टेक से, मिस्टेक वन टू थ्री फोर ऐसे नंबरिंग कर देंगे तो क्या होगा, टू क्लोरो आ जाएगा,
टू देखिए जबकि आपका थ्री क्लोरो आना चाहिए। सोचिए सोचिए तो मिस्टेक हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको क्लियर समझा रहा हूं कि देखिए इस केस में जब आपका हेलाइड जो है भाई ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन और आयोडीन में से भाई आ जाए तो किसको प्राथमिकता देंगे प्रायोरिटी देंगे तो अल्फाबेटिकल देंगे। कैसा देंगे? अल्फाबेटिकल देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा ध्यान दीजिए अगला एग्जांपल CH3 CH2 CH3। जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर BR है यहां पर BR है यहां पर CL है यहां पर CH3 है और यहां पर I है। लीजिए अब आप समझिए मतलब यहां पर थ्री हेलाइड और ये मेथिल ग्रुप साइड चेन के रूप में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किधर से नंबरिंग होगी। पहली बात तो नंबरिंग तो देखिए फिर वही 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 सिस्टम कि अल्फाबेटिकल जो मिनिमम हो तो ए बी सी तो बी पहले आएगा तो ये तो क्लियर हो गया कि नंबरिंग आपका 1 2 3 4 5। चलिए ये बात आपका क्लियर हो गया। अब नेम लिखने में अरे भाई बात समझिए ना नेम लिखना है और यहां पर ये भी इसका भी पोजीशन इसका 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 सबका पोजीशन लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि देखिए अगर बी आर सब जगह होता तो आप क्या लिख देते अरे भाई टेट्रा ब्रोमो भाई भाई टेट्रा ब्रोमो करके लिखते हैं उसका पोजीशन लिख देते बट यहां सब अलग अलग है। देखिए सब अलग अलग है तो इसका मतलब यहां भी अल्फाबेटिकल ही देखा जाएगा। तो पहले भी कौन बी आता है तो इसका मतलब इसको लिखा जाएगा इसका नेम लिखा जाएगा। तो देखिए टू ब्रोमो। अब देखिए बी के बाद क्या आता है सी क्लोरो। पता नहीं समझ रहे हैं इसके बाद इसका मतलब ये हुआ टू क्लोरो। अब देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि ये देखिए ध्यान दीजिए ये पहले लिखा जाएगा कि ये पहले लिखा जाएगा। बहुत लोग तो सोच रहे होंगे ये सी है इसलिए पहले ये लिखा जाएगा। अरे भैया ये सी नहीं है ये मेथिल है यम है ये सी नहीं है ये मेथिल है मेथिल यम है। तो इसका मतलब आई पहले है आयडो आयडो भाई उसका नाम समझिए आई मत समझिए आयडो तो आयडो आई तो आई पहले लिखा जाएगा। ये सी नहीं है भैया ये मेथिल है तो यम बाद में आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि थ्री आयडो थ्री। एक बात मैंने रिक्वेस्ट किया था सारा स्मॉल लेटर में और उसके बाद फिर जो है थ्री मेथिल थ्री। देखिए यहां पर डैश लगना नहीं भूलेगा यहां डैश थ्री मेथिल। चलिए कोई बात नहीं ये देखिए 1 2 3 4 फोर इसमें जो है साइड चेन के रूप में ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और मेथिल ग्रुप था सबका लोकेशन अब दे दिया गया बस आगे जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूं पेंटेन। क्या हो जाएगा पेंटेन। तो अगर आप क्लियर समझ गए होंगे तो ठीक है और नहीं तो भाई मैं क्या कर सकता मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए ठीक है अब मैं और भी एग्जाम्पल देखिए एक बात बता दूं जितना ही मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं उतना ही ज्यादा आप लोगों का माइंड निश्चित रूप से शार्प होता चला जाएगा। जैसे देखिए
एक और भी एग्जाम्पल है CH3 CH, देखिए CH CH CH2 CH3। चलिए ठीक है, और यहां पर देखिए यहां Cl है और यहां पर CH3 है। अब क्वेश्चन उठता है पहले नंबरिंग का, तो देखिए ये क्लोरीन है और ये मेथिल है, तो क्लियर सी बात है जो है नंबरिंग जो है आपका, अरे भाई ये क्लोरीन मतलब सी सी, क्लोरीन का स्पेलिंग समझिए, तो इसका नंबरिंग डिसाइड हो गया। अब जब नंबरिंग डिसाइड हो गया तो देखिए अब जो है नेम नेम डिसाइड करना है, तो नेम में अल्फाबेट कर देखते हैं, तो नेम क्लो सी सी पहले, तो इसका मतलब टू क्लोरो हो गया। अब ये देखिए डैश थ्री मेथिल और ये पेंटेन क्या हो जाएगा, पेंटेन, देखिए इसका मतलब टू क्लोरो थ्री मेथिल पेंटेन, बस आपने नेमिंग कर दिया। चलिए ठीक है, अब मैं एक और एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, इससे आप इसको भी नेमिंग करिए। एक्चुअल में जो है सपोज करिए ये CH3, अच्छा ये जो है आपका CH2 और ये है CH3। यहां भी आपका देखिए एक्चुअल में थोड़ा सा CH CH3, यहां भी CH2 और CH3। ये है इसका आपको क्या करना है, नेमिंग करना है। तो देखिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करते हैं, सबसे पहले क्या डिसाइड करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन। तो जल्दी में आप लॉन्गेस्ट चेन गलत कर सकते हैं, आप देखिए 1 2 3 4, अब सोच लेंगे आप ये क्या है, एथिल ग्रुप है, ये भी क्या है, एथिल ग्रुप है, जरा ध्यान दीजिए। तो अगर ये दोनों एथिल ग्रुप है तो इसका नेम देखिए क्या होगा, समझिए जरा ध्यान से, 2.3 डाई एथिल ब्यूटेन। देखिए भाई देखिए 2 पर एथिल ग्रुप है और 3 पर भी एथिल ग्रुप है, तो इसका नेम हो गया 2.3 डाई एथिल ब्यूटेन, बट ये क्या है, रांग है, टोटल रांग है, ये नेम जो है रांग है। अब आप इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत तेजी में आप काम नहीं करेंगे, पहले देखिए पैरेंट चेन डिसाइड करना बहुत जरूरी है। देखिए 1 2 3 4 5 6, अभी आपने ब्यूटेन डिसाइड किया था और ये देखिए लॉन्गेस्ट चेन हो गया हेक्सेन का। चाहे आप इधर से नंबरिंग करें, देखिए 3 नंबर पर मेथिल ग्रुप है, अरे भाई चेन के रूप में साइड चेन भाई, तो 3 नंबर पर साइड चेन है, इधर 4 नंबर पर साइड चेन है मेथिल। अब देखिए अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तभी 3 नंबर पर साइड चेन होगा और 4 नंबर पर, तो इसलिए जो है आप इधर से नंबरिंग करें या इधर से नंबरिंग करें दोनों सेम है, बट इसका नेमिंग जो है देखिए क्या होगा, देखिए 3 नंबर पर मेथिल ग्रुप है तो 3.4 नंबर पर मेथिल ग्रुप है तो 3.4 डाई मेथिल, अभी हम लोग क्या लिखे थे एथिल, तो डाई मेथिल और ये हेक्सेन, इसके पहले ब्यूटेन लिखे थे तो हेक्सेन। तो देखिए ये है इसका नेम,
ये 3,4-dimethyl हेक्जेन। तो इस तरह का मिस्टेक होता है जल्दबाजी में। तो ये जो है जितना हम आपको ये सारा जो एग्जाम्पल दे रहा हूं वो आप अपने घर पर कर सकते हैं और आपका माइंड स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए यहां पर सपोज करिए सी एच है और यहां भी सी एच है, यहां पर बी आर है, यहां भी सपोज करिए बी आर है, यहां भी बी आर है, यहां भी बी आर है। तो देखिए इसमें जो है नंबरिंग में कोई चक्कर नहीं है, यहां पर 1 और 2। लेकिन देखिए ये जो बी आर इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इसका मतलब इसका लोकेशन तो लिखना ही पड़ेगा। तो 1,1, अरे भाई 1 नंबर पर इधर भी बी आर, इधर भी बी आर, कामा टू, देख लीजिए, अरे भाई 4 बी आर है ना, तो 1,1,2,2। अच्छा टेट्रा ब्रोमो, बी आर को ब्रोमो लिखेंगे ना, टेट्रा ब्रोमो। अच्छा ठीक है, 2 जो है देखिए एक्चुअल में 2 कार्बन है, तो टेट्रा ब्रोमो एथेन, ये इसका नेम हो गया। एक बार और समझ लीजिए, इसमें बी आर कितना है, 1, 2, 3, 4, और उसका लोकेशन पहले वाले का देखिए 1, दूसरे वाले का भी 1, तो 1,1, तीसरे वाले का 2 और चौथे वाले का भी 2, मतलब आपके पास इसमें कितना बी आर है, 4, तो इसलिए हो गया टेट्रा। इसके बाद ब्रोमो, क्योंकि बी आर को ब्रोमो, सीएल को क्लोरो, आई को आयडो, तो आप क्लियर समझ गए होंगे। तो ठीक है टेट्रा ब्रोमो, और यहां 2 कार्बन है पैरेंट चेन में, तो जो है ये हो जाएगा एथेन। तो बस, तो इस तरह से इसका नेमिंग हो गया, इसका नेमिंग हो गया।